नेपाली गोरखा सैनिक को निकाली, उसके बाद हमारे नेपाली जनता अपने आप निकलेंगे और इंडिया में नेपाली अकेले नहीं बसे हुए हैं और आपके इंडियन भी नेपाल में आके बसे हुए हैं। हम किसी का अनादर नहीं करते और हम ना किसी के गुलाम थे मोदी जी, ना ही हम किसी के गुलाम बनेंगे। विश्व में किसी का गुलाम ना बना हुआ देश एकमात्र देश है नेपाल, और हमें गुलाम ना बैठने ना बिठाने वाले हैं हमारे गोरखा सैनिक, हमारे वीर गोरखा जो आपके देश को अभी भी बचा रहे हैं। हमारी धरती माँ को ऐसे ही नोच लेंगे आप, नहीं नोच सकते मोदी जी। ये मैसेज मोदी जी तक पहुँचे इसीलिए मैंने ये मैसेज बनाया है। अगर आप हम नेपालियों को इंडिया से निकाल सकते हैं तो हम नेपालियों के भी हाथ में फेविक्विक लगा के बैठे हुए नहीं है। हम भी हमारे भी इंडिया में भी नेपाल नेपाल में भी इंडियन बसे हुए हैं। इतना याद रखिए मोदी जी, अगर आपने फिर ये कोशिश या तो आप अपना नक्शा बदलिए और हमारे नेता तो हमारे नेपाल के नेताओं को तो कुछ सद्बुद्धि है ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है नेपाली नेताओं के बारे में। और नेपाली नेता तो जानवर हो सकते हैं, बट नेपाली जनता जानवर नहीं है। नेपाली जनता खुद नियम बनाती है और खुद पालन करती है। मैं सुबह सुबह मैसेज देखी, मैं सुबह सुबह न्यूज देखी कि मोदी जी की कड़ी चेतावनी नेपालियों को इंडिया से बाहर। अरे पहले अपने बल पे खड़े होना तो सीख जाइए, हमारे नेपाली गोरखा को निकाल के दिखाइए, हमारे नेपाली गोरखा सैनिक को निकाल के दिखाइए जो आपका रक्षा करके बैठे हुए हैं। उसके बाद जाके हम नेपालियों को ललकारना सीखिए। आज तक ना नेपाली को किसी ने ललकारा है और ना ही ललकारने की कोशिश की है। हम नेपालियां ऐसे ही वीर गोरखा बोल के ऐसे प्रसिद्ध नहीं हुए। प्यार में प्यार, सम्मान में सम्मान, इज्जत में इज्जत, सब कुछ देना आता है। अगर हमारे ऊपर कोई आ जाए ना तो उसको हम नेपालियां छोड़ते भी नहीं है। इतना याद रख लीजिए मोदी जी, इतना बता दे मोदी जी, हमें हमारे नेपाल से बहुत प्यार है। हमारी माँ को हम अपने देश को, हम अपने धरती को हम हमारी माँ मानते हैं और हम हमारी माँ को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। जैसे आपने नक्शा बदल के जिपू लेक को अपना बनाया है, काला पानी को अपना बनाया है, ये कदापि हम होने नहीं देंगे, चाहे हमारी गर्दन क्यों ना कट जाए। हम लड़ेंगे और अपना जिपू लेक और अपना काला पानी हम वापिस ला के ही छोड़ेंगे। ये आपके नक्शे में लिख जाने से, आपके नक्शे में दिखाने से ये आपका होने वाला नहीं है। एक बार हमारे नेपाली गोरखा फौजों को निकाल के दिखाइए पाकिस्तान आपके ऊपर कैसे कब्जा करता है, हम भी देख लेंगे। बच्चा बच्चा तक जानता है कि इंडिया में हमारे नेपाली गोरखा सैनिक खड़े हुए हैं जो की रक्षा कर रहे हैं। पहले निकालना है तो उनको निकाल के दिखाइए। हम भी अपने मेहनत पर खड़े हुए हैं, हम अपना मेहनत खून पसीना बहाते हैं, हम किसी का गुलाम नहीं बैठते और नेपाल ना ही किसी का गुलाम बैठा है और ना ही कभी बैठेगा। और मोदी जी अच्छे से बता रहे हैं कि हमारे साथ लड़िए मत, हमारे साथ 15 नेपाली गोरखा सैनिक को निकालिए, उसके बाद हमारे नेपाली जनता अपने आप निकलेंगे और इंडिया में नेपाली अकेले नहीं बसे हुए हैं और आपके इंडियन भी नेपाल में आके बसे हुए हैं। हम किसी का अनादर नहीं करते और हम ना किसी के गुलाम थे मोदी जी, ना ही हम किसी के गुलाम बनेंगे। विश्व में किसी का गुलाम ना बना हुआ देश एकमात्र देश है नेपाल, और हमें गुलाम ना बैठने ना बिठाने वाले हैं हमारे गोरखा सैनिक, हमारे वीर गोरखा जो आपके देश को अभी भी बचा रहे हैं। हमारी धरती माँ को ऐसे ही नोच लेंगे आप, नहीं नोच सकते मोदी जी। ये मैसेज मोदी जी तक पहुँचे इसीलिए मैंने ये मैसेज बनाया है। अगर आप
हम नेपालियों को इंडिया से निकाल सकते हैं तो हम नेपालियों के भी हाथ में फेविकोल लगा के बैठे हुए नहीं है। हम भी हमारे भी इंडिया में भी नेपाल नेपाल में भी इंडियन बसे हुए हैं।